अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे अरे हप्पू सिंह जी क्या हो गया, वहाँ क्यों पड़े हुए आप? गोरी मैम जहाँ पे भी हो हाय। हेलो हप्पू सिंह जी, लेकिन हुआ क्या है? अरे बिलैया को ब्याह होगा गोरी में। अरे अच्छी खासी आ रही थी ससुर, कौन ससुर ने ऐसा कीचड़ फैलाओ, हम पाँव फिसल गए, हम गिर गए। हप्पू सिंह जी आपको भी तो नीचे देख के चलना चाहिए ना, ऐसे आसमान की तरफ मुंह उठा के चलेंगे तो कैसे पता चलेगा कि जमीन पर क्या पड़ा हुआ है? बात तो आपकी बिल्कुल सही है गोरी मैम, देख के तो चलो चाहिए। तो आप क्या वैसे ही पड़े रहेंगे कि उठेंगे और कार्यवाही भी करेंगे? अरे ना ना, आपके आने के पहले वो ये ट्राई कर रहे थे, कबू सारू हम सारा करे, कबू ये सारी चप्पलें सारा करें, हम उठ नहीं पा रहे। कसम खा के कह रही हूँ दरोगा जी, बड़ी खतरनाक कीचड़ है जे, हम दोनों बड़ी पुरानी दलदल से नाक पे हाथ रख के निकाल के लाए हैं। सारे ओ आदमी जब जब दलदल में गिर जाते है ना तो बड़ी मुश्किल से बाहर आते है। अरे हमें लग रहा है तू को ज्यादा ही होली की होरी आ रही है, ज्यादा ही होरी आ रहा हूँ का हवालात में सारे बंद कर देंगे। हाय दियो बकवास कर, ऐसे कैसे हाँ ऐसे कैसे डाल देंगे हवालात में इन दोनों को, ये दोनों का बिचारे कौन कर्नल है? आप क्रिमिनल कह रही का? ऐसे ही पकड़े हैं। और हमको एक बात बताइए दारोगा जी, ये दोनों होली तो खेल रहे ना, हाँ कोनो जुर्म तो नहीं कर रहे हैं, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, हवालात में डाल देंगे। ये तो नुकसान ही तो पहुंचा रहे, देखनी भी एक दरोगा के साथ होली खेलना भी जुर्म है, कानून जुर्म है। काहे काहे आपके साथ होली नहीं खेल सकते? अरे ओ खैर जा ओ दादा, अरे आसमान से उतरे हैं का? अरे भाभी अंगूरी आप समझ नहीं रही, हम जो कह रहे हैं एक तो हम दरोगा हैं, ऊपर से हम ड्यूटी पे हैं, और ड्यूटी पे मतलब दरोगा के संग में ऐसो कांड करोगे वो जुर्म है कानूनन। हेलो बेबू मेरी बात ध्यान से सुनो, अंगूरी जी और टीका टिल्लू हप्पू सिंह जी के साथ लड़ाई झगड़े में बिजी हैं, यही मौका है तुम फौरन निकल लो। हाँ हाँ तुरंत। कछु भी ड्यूटी पे कहाँ है, ट्रैक्टर पैंट पहने अभी आप। अरे आप ट्रैक पैंट कह रही का? ऐसे ही पकड़े हैं। हम जो आपसे कह रहे हैं कि कबूं कबूं वो तो है, अपनी इस टाइप के कपड़न में भी मतलब दरोगा ड्यूटी कर सकते हैं पुलिस वाले, सादा कपड़न में। अरे गुट रहो है मसालो गुट रहो है जालिम मसालो गुट रहो है। ठीक है टेस्ट करके देखियो। क्या है ये? ओ तो अपना काम कर, सारे बाल की दुकान बाल के बीच में आ रहा हो। बदतमीजी वाली होली खेलने की तैयारी हो रही है। अबे ओ बोतनिया के अपने काम से काम रखना, खामा खा हमारे गुर्दों में उंगली करके टाइम पास क्यों कर रही है? अगर तू अभी यहाँ से ना गाओ ना सारे ये सर कीचड़े ना तेरे ऊपर मल देंगे समझ को, लेकिन अगर तेरे मुंह घुसेड़ दूंगा उसमें सारा दाढ़ी। ठीक है मैं ऊपर चढ़ लिया हूँ, ठीक है लाइए इधर ला अभी ये तो दे बावले संभाल के दियो, कहीं तेरे ऊपर ही ना गिर जाए। ये सारे उधर ले एक मिनट रुक, देखियो ठीक है सही है आती है, थोड़ा राइट ले राइट लो। अरे तारे इतने भी क्यों ले रहे हो, थोड़ा लेफ्ट ले मासा भी इधर तो बैठेंगे तो बावले ये देखना इधर यूं ही तो गिरेगी। हाँ तो मेरे ऊपर गिरा था सारे, ये देखिए बाप। अरे सही सारे सही बात बिल्कुल ठीक है सही बिल्कुल एक्यूरेट है। पीछे आ जा सुन, हाँ चाय पिलवा दे यार, ऊपर ही बैठ के पियोगे तू सारे। एक मिनट तो चुप रहियो, बता नहीं बोला तो तेरे गुर्दे छील दूंगा बता रही हूँ। हमने तो पहले ही कह दिया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन रामचंद्र जी को हमारी बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मासा ऐसा है कि अगर पत्नी खूबसूरत हो ना तो उसकी चाहे जितनी कोई बुराई करे पति को जो है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अबे ओ डॉक्टर, जवानी डलने के बाद तो बीवी भी दुश्मन नजर आती है। क्या बात है भाई लौंडो, बहुत खामोशी से चुपचाप बैठे चुस्कियां ले रहे हो, क्या बात है आज? इन्हें खामोशी रहने दीजिए, ये जब भी मुंह खोलते हैं ना कुछ रायता फैलाते हैं।
जब देखिए मास्टर साहब, हम दोनों शरीफ बच्चों को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, रायता फिला देते हैं, ये फिला देते हैं। आप तो जैसे लखनऊ से तशरीफ लाए, जबा से चाशनी टपकती है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? कौन? अरे खचेड़ू, मैं हूं, जल्दी खोल। सुन, मैं क्या कह रहा हूं, चल निकल ले। मतलब? अरे मतलब ये वो जो बड़ा महू है ना, वो घर के अंदर है और उसके जो पंटर है वो किसी और गली में निकल गए हैं। ये मौका अच्छा है, हमें अभी निकलना होगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, चल निकल। लेकिन चाच, एक बात, मुझ पर कहीं से भी हमला हो सकता है। अरे यार, तू एक काम कर, तू छतरी ले ले, मुझे लगता है छतरी से किसी हद तक तू अपने आप को बचा लेगा। गुड आइडिया, लेकिन आपको मुझे कवर देना होगा। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, जब तक मैं हूं तेरा कोई बाल पाका नहीं कर सकता। मैं तुझे कवर दूंगा। क्या दूंगा? कवर दूंगा। इसलिए कवर निकल गया, कवर दूंगा, कवर। आप आगे रहिएगा। अरे टेंशन क्यों ले रहा, मैं आगे रहूंगा। अगर कोई भी अटैक होगा ना, मैं उसे अपने सीने पे छेल लूंगा। चार्ज, डोंट बी ओवर ड्रामेटिक। बाहर गोलियां नहीं चल रही हैं, लोग पिचारी से कीचड़ देख रहे हैं बस। ओके, आई केयर फॉर यू यार। अरे सुन 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 सुन, हम लोग डेंजर जोन में है, तू अपनी छतरी खोल। क्या छतरी नहीं खुल रही है यार? अरे यार, कैसी छतरी लाया है तू? मुझे क्या पता छतरी कैसे लाया। खोल जल्दी। नाची नाची का चिल्लू भैया, अटैक बॉम्बे। भाभी जी, भाभी जी प्लीज, भाभी जी प्लीज रहम कीजिए, भाभी जी प्लीज रहम कीजिए। देखिए प्रभुति जी, ये टाइम हम कसम खाए हैं कि हम किसी पर भी रहम नहीं करेंगे। भैया चुपचाप दीवार के पीछे से बाहर आ जाओ, हमारी पिचकारी की पहुंच दूर दूर तक है। और वैसे भी हमारे निशाने बहुत तेज हैं, चाहे लाख दीवार के पीछे छुप जाओ लेकिन हमारे निशाने चूकेंगे नहीं चचा। अबे लौटो, तुम्हें भिगो ना तो मुझे भिगो। खचेड़ू के पीछे क्यों पड़े हो? इसको अर्जेंट कहीं पहुंचना है यार। उनको रंगे बिना तो हम वहां से हिलने भी नहीं देंगे चाचा जी, कसम खाए हैं। अच्छा, आप इनका ध्यान भटकाइए, मैं निकलने की कोशिश करता हूँ। तू बिल्कुल निकल जा, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे ऊपर रंग की एक छींट भी नहीं आने दूंगा, ठीक है? तू बस अपना ध्यान रख। चाच, मुझे आपकी बहुत फिक्र है चाच। अरे यार मेरी फिक्र मत कर, तू निकल। चाच, अगर आपको कुछ हो गया, आप मर गए तो? अगर कुछ हो गया आपको चाच तो? अरे यार देख, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, तू सिर्फ अपना ख्याल रख, तू निकल। चाच प्लीज प्लीज चाच, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। यार मेरे पास समय बहुत कम है, तू निकल, मैं कह रहा हूँ तू जा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।